आपका मौजू बड़ा मजेदार था, मैं लगता गाना सुनता रहा हूँ। एक दो तीन सवाल छोटे छोटे, एक तो मैं दोस्त ने पूछा हमारे महफिल में मौजूद है, उसका जवाब आपने दे दिया बयान, मैं समझ गया हूँ। कह रहे हैं कि अल्लाह के अलावा किसी से मांगना जायज है, या अली मुझे ये चीज़ मैं या बड़ी सरकार अपने बेटा मिल जाए, या नवी मतलब मुझे ये चीज़ मिलती है, अपने पूछा दोस्त मैं समझ गया लेगा वादा कर। देखिए अल्लाह ताला ने कुछ सिफात में बंदों को शामिल किया है, ठीक है, जैसे अल्लाह ताला ने इन्ना अल्लाह बिन्नास लाहू को रहीम, अल्लाह ताला लोगों के साथ रूह को रहीम है, और अपने मामू से लाहू के मोमिनी रूह को रहीम के मोमिनों के साथ मामू भी रूह को रहीम है। बस सिफात को सिफात से मिलाया है, तो अगर अल्लाह भी रूह को रहीम है, नबी भी रूह को रहीम है, तो बराबरी आपकी सिफत में फरमाया नहीं, वो खुद से रूह को रहीम है और हुजूर को अल्लाह ने बनाया है, ठीक है। अब रही ये बात के साहिब मिजाज से मानना, इस पर फिर बेशुमार किस्म को लफा चलते हैं, दलाइल बास तसरुफात ऐसे जैसे उर्दू के गति बड़ी मुसरत गति से गुजरता है, उसको इन्होंने फरमाया जब कहीं तुम व्यापारों में फंस जाओ, जंगलों में पहाड़ों में फंस जाओ, पानियों में फंस जाओ, कोई मदद दूर से ना आए, तो उस वक्त कहो या इबादत आई होगी, ऐ अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। ये नहीं कहा उसने अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह की मदद है सारी, ऐ अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। या सुना फिर क्या होगा, फरमाया इस पूरी फिजा के अंदर अरवाह शुहदा की अरवाह और सालहीन की अरवाह जो है वो चक्कर लगा रही होती है, वो तुम्हारी मदद करेंगे। तो अगर इस चीज़ को देखा जाए तो जो भी मदद मांगेंगे ये अल्लाह की अताशुदा मदद है, तो अताशुदा मदद में कोई ऐसी शिर्क की बात नहीं, अगर किसी को ये अल्लाह जान के आप मांगेंगे वो जिंदा से मांगेंगे हराम हो जाएंगे। वैसे अल्लाह के सिवा तो मांगा जा सकता, सबसे मांग रहे हैं, इस बाब की दुनिया मांगेंगे तो बात बनेगी।